हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं 4-in-1 भोजपुरी चैनल से 25 लाख के कार से धनंजय धड़कन पहुंचे अपने घर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक कार का प्राइस कितना है, कितने में ये लिए हैं कार? धनंजय धड़कन अपना में ब्रांड है, खेसारी भी अपना ब्रांड है, दोनों घर भी बनवा लिए, ऐसा कैसा कार भी ले लिए, धीरे धीरे सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब शादी कब कर रहे हैं? जो आगे बढ़ता है उनका बुराई भी लोग करते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे खेसारी लाल यादव से आप मिले हैं, क्या कुछ नया आने वाला है खेसारी लाल यादव के साथ? आपका छोटे भाई संजय धड़कन भी म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हैं, आप कहाँ तक उनको सपोर्ट करेंगे? नमस्कार, मैं हूँ जेपी राजा और देखिए धनंजय धड़कन एंट्री मार चुके हैं अपने नए चमचमाती हुए कार से अपने गांव में लालबेगिया। आइए कुछ खास बातचीत करते हैं धनंजय धड़कन जी से, जो कि अभी अपने कार के साथ उपस्थित है अपने गांव लालबेगिया में। आप उधर से आ जाइए तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले फॉर्मुलर भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है धनंजय धड़कन जी। सबसे पहले जितने भी हमारे भोजपुरी दर्शक लोग देख रहे हैं सबको मेरा 4-in-1 की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। चलिए, आप नए कार के साथ अपने गांव में एंट्री मार चुके हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज पहली बार आए हैं घर पे गाड़ी लेकर, और कल ही आए, बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे नया मेहमान आया है तो लोग खुश भी रहते हैं। चलिए, एक कार का प्राइस कितना है, कितने में ये लिए हैं कार, आप दर्शकों को बताइए। कार का प्राइस क्या बताया जाए, नॉर्मल जो कार है वही है, समथिंग 25। चलिए, बहुत अच्छा। और चमचमाते हुए कार के साथ आज धनंजय धड़कन कितना ज़्यादा खुश है कि एक गरीब परिवार के लड़का अपने मेहनत के बदौलत धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और जिसके टक्कर देने वाला अब मेरे ख्याल से कोई नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, और पब्लिक लोग का प्यार है, भाई लोग का आशीर्वाद है, हमेशा माता रानी की कृपा बना हुआ है। और आप लोग का सपोर्ट है कि हम एक पे चीज, अभी कुछ नहीं है, अभी तो चरण होने के लिए लिए हैं, घर द्वार बन गया, सामने साथ घर आप देख रहे होंगे, और इनके काम अंदर से चल रहा है, देख लीजिए अंदर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं। हाँ, तो झंडी फेड़नी का काम अंदर से चल रहा है, स्टार्टिंग है, और बहुत जल्द हम लोग कुछ अच्छा करने वाले प्रोजेक्ट हैं अभी, और इसके बाद हम लोग, अभी तो बोलबम का सीजन चल रहा है, और बावाले लगभग कंवरिया भी भेज चुके हैं, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बहुत ज़्यादा भी मिल रहा है, उसका मतलब समझिए 10 लाख लोग, मिलियन क्रॉस कर चुका है गाना। और नेक्स्ट हम लोग तैयारी में हैं, और देवी सॉन्ग का तैयारी में है, कुछ नया धमाका लेकर आने के लिए, कि नाच में मार्केट में ब्लास्ट उखाड़ने के लिए। चलिए, अभी 2-4 दिन पहले आप भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के साथ मिले हैं। जी, उनके साथ मिलकर कैसा लगा है आपको? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खेसारी लाल घमंडी है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, आपको कैसा लगा? खेसारी लाल भैया जी और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और बहुत मेहनती भी इंसान हैं, और उनको जो कहते हैं घमंडी है, तो शायद उनका मैटर क्या है, उनसे क्या परिचय है नहीं है, लेकिन जिस दिन हम मिले वो हमको खुद बैठाए, वो कुर्सी मंगवा कर खुद हमको सम्मानित किए, बैठाए आराम से हमको, उनका शूट चल रहा था, हम लोग साथ में लगभग 2-3 घंटा रहे हम लोग, और बहुत अच्छा से व्यवहार से हम लोग से बात हुई हमारे, और हमारे कुछ जीवनी के बारे में पूछे उन्होंने, हमको जानते हैं पहले से, अब एक कलाकार को इंडस्ट्री में रहने वाले सारे लोग को जानते हैं, और बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार है भाई, नो डाउट, बहुत बहुत अच्छा, और जितना अच्छा इंसान है उतना अच्छा काम भी है उनका, और लोग जो आगे बढ़ता है उनका बुराई भी लोग करते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप खेसारी लाल यादव जी के साथ मिले, उसके बाद आप अपने फेसबुक पेज के माध्यम से उस चीज़ को शेयर किए, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग आपके बारे में फेक न्यूज़ भी बनाने लगे। अच्छा, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपके साथ फेक करते हैं? देखिए, कुछ न्यूज वाले हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप किसी के बारे में अगर भलाई नहीं सोच सकते हैं तो बुराई भी मत कीजिए। सही बात। आप एक रिपोर्टर हैं तो अच्छे बातों को संदेश, अच्छे चीज़ों को संदेश आप अच्छे प्रेजेंट कीजिए, अच्छे जो चीज़ जो मार्केट जो सही था उसको आप लोगों तक पहुंचाइए, और ऐसा नहीं कि ये है वो है, कंपेयर, भाई हम दुनिया से कंपेयर क्यों करेंगे? मैं जितनी मेरी औकात है उतना ही मैं खुश हूँ, जिस दिन टाइम आएगा उस दिन भी मैं बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और लोग बहुत सारे न्यूज़ वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ये फलाने ने ये लिया, इसने तो यही लिया, उसने तो इतना बड़ा किया प्रोजेक्ट, अबे भाई
उसने उनकी 20 साल की मेहनत है, लगन है उनकी। मैं अभी मेरा 5 साल 7 साल हुआ, जब उस दिन मैं आ जाऊंगा तो फिर भी तब हमसे कंपेयर कीजिए ना भैया। हम कंपेयर क्यों करें किसी से? सही बात है। धनंजय धरकरणी अपना में ब्रांड है, खेसारी भी अपना ब्रांड है, दुनिया के सारे कलाकार सब अपने में ब्रांड है, छोटे बड़े सब अपना में ब्रांड है। चलिए तो एक चीज आपका मतलब समझ में नहीं आता, आप हमेशा बोलते आते कि एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट होगा। हाँ, तो इसका राज क्या बताइए? राज बहुत बड़ा है भैया। हाँ। बहुत दिन तक लग जाएगा बताने में, शॉर्टकट में बताते हैं भाई। एंट्री मेरा लेट है लेकिन ग्रेट है। मेरा प्रोजेक्ट भी लेट जाता है और बसता है दबा के, ठीक ना? वो नहीं कि हाँ, ये कहने का महीना मतलब... का 30 गाना भेजिए, एक गाना बाजे ना, 5 को भेजिए, बढ़िया भेजिए, लोग देखे तो कहें अरे धनंजय का प्रोजेक्ट आया, बचाए फलनावा का प्रोजेक्ट आया, इतना सुंदर बनाया है। अब पॉड रिलीज करी और लोग मुखरे ना सुने ना देखे तो क्या मतलब है? सही बात है। एक और सवाल करेंगे आपके लाइफ से जुड़े हुए, जैसे कि आप घर भी बनवा लिए, ऐसा कैसा कार भी ले लिए, धीरे धीरे सफलता के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब शादी कब कर रहे हैं? अभी शादी की उम्र भूल कहाँ भाई, हमारा जिस दिन उम्र हो जाए उस दिन शादी हो जाए। हाँ, ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया। शादी अभी करेंगे, अब अभी जिस मुकाम पे है पहले उससे मैं हासिल कर लूँ, मार्केट में कुछ फिल्म आ जाए, कुछ लोग इंटरटेनमेंट दूँ, उसके बाद में अभी खेलने कूदने का उम्र है मेरा, शादी का मतलब। चलो एक चीज़ और कंफर्म करवा दीजिए, जैसे खेसारी लाल यादव से आप मिले हैं, क्या कुछ नया आने वाला है खेसारी लाल यादव के साथ में, या फिर आप सिंगल ही? नहीं, आप अभी देखिए भविष्य में मैं नहीं बता सकता जी, भविष्य में जब ऐसा होगा तो खेसारी भी या क्या, अगर मान लेते हैं हमारे सामने, मतलब हम साथ में हीरो नहीं तो हमारे बुजुर्ग में तो आएंगे, हमारे भाई बड़े बन के आएंगे, चाहे हमारे है कि नहीं, लेकिन मैं आगे मतलब आगे क्या होने वाला है मैं नहीं बता सकता, जब आएगा तो खुद आप लोग देखेंगे। अब मान लेते हैं पुराने जितने भी कुणाल सिंह थे हीरो, जो आज के डेट में जो बड़े बड़े स्टार हैं, जैसे हमारे पवन भैया थे, निरहुआ जी हैं, तो उनके पिताजी लोग बनते हैं ना, वो अपने ज़माने में हीरो थे। हाँ। अब उनका उम्र बुढ़ापा आ गया तो वो बाप का रोल निभाते हैं, कौन ठेका हमारे उम्र में खेसारी भाई लोग, चाहे दिनेश्वर लोग, मेरे पिताजी के रोल निभाए लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, समय का कोई नहीं देखा है। चलिए, और आपका छोटे भाई संजय धरकन भी म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हैं, आप कहाँ तक उनको सपोर्ट करेंगे? वो तो मेरा भाई है, मैं तो हमेशा सपोर्ट में हूँ, और मेरा तो सपोर्ट हमेशा रहा है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने भी पब्लिक लोग हैं आप लोग उसको सपोर्ट देकर आगे बढ़ाइए, और हमेशा लगन से लगा है तो आप लोग उसको उत्साह दीजिए, उत्साह कीजिए कि हाँ अच्छा करें, कुछ अच्छा बनाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को शेयर करने के लिए, थैंक यू। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। वो होता है ना, जब भी किसी इंसान से, आप चाहे सेलिब्रिटी हो चाहे किस कोई भी हो, उससे अगर कोई पर्सनल सा सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इंटीमेट सवाल पूछते हैं, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है ना, तो वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे धनंजय सर की भी लग रही थी, धनंजय भैया की लग रही थी, है ना, उनकी भी लग रही थी कि हाँ सवाल पूछ लिया, अभी तो यार शादी का उम्र ही नहीं हुआ है ना। तो ये चीज़ सही है, जब तक आपकी मैच्योर एज ना हो जाए, है ना, जब तक आपको ये ना लगे कि मैं अपने परिवार को कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ अच्छा दे सकता हूँ, है ना, अपने परिवार को संभाल सकता हूँ, तब तक मत ही करो शादी, ना शादी करो ना ही बच्चे पैदा करो, है ना। तो ये चीज़ होता है, जब तक आपको वो ना लगे कि हाँ आपने कुछ अचीव कर लिया है, तब तक मत करो शादी, है ना। अब धनंजय जी को ये लगता है कि हाँ वो अभी योग्य नहीं है शादी के, है ना, अभी खेलने कूदने की उम्र है, अभी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालने लायक नहीं है, तो ज़रूर ये उनकी मर्जी है, जब उनको लगेगा कि हाँ अब हम अपनी पत्नी को टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, तब वो शादी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये है, फैंस के मन में, ऑडियंस के मन में ये चीज़ उमड़ती रहती है कि हाँ हमें भी धनंजय धड़कन का परिवार देखना है ना, उनको भी बच्चों के साथ देखना है, हंसते खेलते देखना है, तो आएगा यार, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, है ना। सो काफ़ी अच्छी वीडियो थी यार, बहुत अच्छा लगा। और जब एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान या गरीब या फिर मिडिल क्लास परिवार से उठकर कोई ऐसा कलाकार ऊपर आता है और उसे भी पहचान मिलती है, तो काफ़ी खुशी मिलती है, अच्छी मिलती है, अच्छा लगता है ना। क्योंकि यार देखो ये होता है, बुरा ना माने जो भी अमीर हैं या किसी अच्छे घर से हैं, अच्छे संपन्न परिवार से हैं, वो बुरा ना माने, सिर्फ
एक बात कहना चाह रही हूँ, संपन्न परिवारों में इंसान पलता बढ़ता रहता है ना, क्योंकि उनके आगे पीछे सब लोग होते हैं उन्हें सपोर्ट करने वाले, चाहे फाइनेंशियली हों चाहे जैसे भी हों। लेकिन जब भी कोई गरीब कलाकार ऊपर उठता है तो वो अपने आप मुकाम बनाकर हासिल करके उसके बाद उठता है। आपको क्या लगता है, टाटा, बिरला, अंबानी ये सब जो हैं, इन्होंने अपना अपना मुकाम बनाया था, खुद ही बनाया था, है ना? ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब जो विरासत में मिल गया बस उसी पर पल रहे हैं, है ना? टाटा जो रतन टाटा जी हैं, है ना, तो वो भी अपने जितनी पीढ़ियाँ उनकी आई हैं उन्होंने अपनी अपनी मेहनत की है तब आगे बढ़े हैं। तो ऐसे ही बस यार लोग आगे बढ़ते रहें और पहचान हासिल करते रहें, बस यही कामना है, यही प्रार्थना है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।